ये देखिए गाइस, आज सैटरडे है, इसको 7 दिन से ऊपर हो गया है। पकड़े हर्ष, एंटर करवा उसको, पकड़। इसको 7 दिन से ऊपर हो गया है, इसकी हालत में कोई इम्प्रूवमेंट नहीं है फिलहाल। और ये देखिए कितना इसने साहस रखा है, कितना फाइट बैक कर रही है ये। इसकी हालत बहुत बुरी है, आप सोच नहीं सकते उतनी बुरी है। कपड़ा भी दे, इसकी हालत बहुत बुरी है और ये फाइट बैक कर रही है, बड़ा ज़्यादा लड़ रही है ये। आज इसको नियर बाय 8 दिन हो गया, 9 दिन हो गया। आज सैटरडे, थर्सडे को पिछले फ्राइडे को इसका ट्रीटमेंट करवाना शुरू किया था और अभी हम इसको लेके जा रहे हैं हॉस्पिटल। यहाँ पे लोकल वेटनरी हॉस्पिटल है, मैंने वहाँ से मेन हॉस्पिटल से करवाया था, फिर अभी लोकल हॉस्पिटल लेके जा रहे हैं। उनसे सिर्फ हम वो करवाएंगे, इसकी बैंडेज चेंज करवाएंगे और इसको ड्रिप वगैरह लगाएंगे। मैंने ड्रिप वगैरह ले लिया, ड्रिप सेट भी ले लिया, स्कैल वगैरह ले लिए, उसके मल्टीविटामिन वगैरह ले लिए हुए हैं जो अब इसको चाहिए होंगे, अब वहाँ पर जाके लगवाएंगे। देखिए इसमें इतनी भी हिम्मत नहीं है कि ये ऊपर देख सके, गर्दन उठाने की हिम्मत नहीं है, पर ये देखिए खुद चल के आई है ये। इसको पता कि अभी ट्रीटमेंट का टाइम है और ये पूरा कोऑपरेट कर रही है, कोई बाइट वगैरह कुछ भी नहीं कर रही, बिल्कुल शांत होके बैठी है। कई डॉग होते हैं कि मैं वहाँ पे जाता हूँ वेटनरी हॉस्पिटल में, मैं देखता हूँ कि डॉग इतने अग्रेसिव आते हैं कि वो इंजेक्शन तक नहीं लगवाने दे रहे, पर ये ड्रिप सेट लगवाती है, स्कैल्प लगवाती है, बिल्कुल मज़े से लगवाती है, बिल्कुल पूरा कोऑपरेट करती है। मेरे को कहीं से भी इसने दिक्कत नहीं दी। अगर मैं अकेला जाता हूँ तो मैं इसको उधर बैठने के लिए बोलता हूँ और खुद अगर कोई मेडिसिन चाहिए हो तो वो लेने जाता हूँ। ये वहीं पे शांति से बैठी रहती है कि इवन कि डॉक्टर उसको भी तंग नहीं करती। और एक डॉक्टर आए थे, वो कह रहे थे कि मेरे को तो ये इतनी पसंद आई है कि अगर ये आपने नहीं रखनी हो तो आप मेरे को दे दें। ये बड़ा अच्छा फाइट बैक कर रही है, अब देखो ये कितनी जल्दी रिकवर होती है। आप लोग प्रे करें इसके।